तिजारी न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश नंबर 2 शंकर लाल गुप्ता ने आरोपी जाकिर पुत्र शेर मोहम्मद निवासी नूह हरियाणा को फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गो हत्या गो तस्करी करने पर 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार जैन ने पैरवी करते हुए बताया कि नरेंद्र कुमार कांस्टेबल ने एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि 20/12/2014 को एक ट्रक में गो वंश से भरा हुआ गो वंद के लिए हरियाणा लेकर जाया जा रहा है। नरेंद्र कुमार में जाप्ता पड़ास चौकी पर पहुंचे और गाड़ी नंबर 7659 को रोका। ट्रक में 19 गो वंश भरे हुए थे जिनमें से एक गाय और एक बछड़ा मृत मिले थे। 17 जीवित गो वंशों को मोनी बाबा की गौशाला में भिजवाया गया। गाड़ी के कागजातों को चेक किया तो पता चला कि फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी है। तब वाहन मालिक को गिरफ्तार किया तो वाहन मालिक ने बताया कि वह स्वयं फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहनों को ले जाते हैं। इसी तरह वाहनों से राजस्थान से गाय भरकर हरियाणा लेकर जाया जाता था। मुलजिम के खिलाफ न्यायालय अंतर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 2 और 9 RBA 420 भादस में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ADJ 2 शंकरलाल गुप्ता ने आरोपी को दोषी मानते हुए जाकिर पुत्र शेर मोहम्मद को 7 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए से दंडित किया है। शंकरलाल गुप्ता ने मुलजिम जाकिर पुत्र शेर मोहम्मद जाति मेव निवासी खूब बसी थाना रोज का जिला नूह को सेक्शन 3 में 7 वर्ष का कारावास में 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार श्री नरेंद्र कुमार SC ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसको सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गाय भरकर वे गोपसी के लिए हरियाणा ले जा रहे हैं, जिस पर मन SC जाप्त पूर्वक गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी में रुकते ही उसने देखा कि गाड़ी में 11 गाय, 4 बछड़े वे 2 बछड़ी, 1 मृत गाय, 1 मृत बछड़ा पैर में मुंह रखते से बंधे हुए थे तथा जिनको उनको जब्त कर कार्रवाई की गई और गायों को मृतक गायों का पोस्टमार्टम कराकर उनको दफनाया गया तथा जीवित गायों को मोनी बाबा की गौशाला में तिजारे में भिजवाया गया तथा वाहन पे जब वाहन की जांच करी तो उसमें वाहन के RC व अन्य कागजात मिले, जिससे पता चला कि उक्त वाहन पर गलत नंबर लगाकर ये सब कार्रवाई की जा रही है और ये गो तस्करी की जा रही थी, जिस पर वाहन मालिक श्री जाकिर पुत्र शेर मोहम्मद निवासी खोबसी को गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि फर्जी नंबर प्लेट के आधार पर हम ये सब कार्य करते हैं, जिस पर उक्त मुलजिम को न्यायालय श्री अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल गुप्ता ने 7 साल की कारावास वे अन्य धाराओं में 3-3 वर्ष का कारावास सुनाया, वे 420 में 3 वर्ष का कारावास वे 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया।